कांग्रेस के छात्र संगठन ने कहा NSUI द्वारा एक छात्र सत्याग्रह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो कि इंदौर से चलकर भोपाल मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी। इंदौर के खजुराना मंदिर से आज सुबह NSUI कार्यकर्ताओं के द्वारा पद यात्रा का आयोजन किया है। यह यात्रा उच्च शिक्षा में हो रही गड़बड़ियों को लेकर है। यात्रा 6 अगस्त को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। छात्र सत्याग्रह यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाली कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि शिवराज सिंह सरकार ने 18 साल में युवाओं के प्रति कोई भी अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। शिक्षा और नौकरियों में भाई भतीजावाद आदि पार्टी के लोगों को नौकरी दी गई है, घर परिवार के लोगों को नौकरी दी, कई तरह के शिक्षा के साथ नौकरी के साथ जुड़े घोटाले भी किए गए हैं। आज NSUI के जिला कार्यकारिणी के तत्वाधान में शिवराज जी जहाँ रहते हैं विभाग में परीक्षाएं होती है वहाँ घोटाले होते हैं। शिवराज जी और एग्जाम्स के घोटाले एक दूसरे के पर्याय बन गए। जैसे जैसे शिवराज जी ने 18 साल में बच्चों के भविष्य के साथ पक्षपात किया, कुठाघात किया, तेरा मेरा किया, भाई भतीजावाद किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने परिवार और रिश्तेदार समाजजनों को, पार्टी के नेताओं के बच्चों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, RSS के लोगों को बायस हो के नौकरियां दी और गरीब का बच्चा, आम आदमी का बच्चा, किसान का बच्चा, आदिवासी का बच्चा तकलीफ पाता रहा, एग्जाम देता रहा, फीस भरता रहा और पेट काट काट कर ओवर एज होता रहा। मैं मानता हूं ऐसे में शिवराज जी ने जो अत्याचार, अनाचार, उनके सरकार ने जो भ्रष्टाचार एग्जाम से किया, जग जाहिर है। यात्रा 6 अगस्त को भोपाल पहुंचेगी जहां NSUI कार्यकर्ता CM हाउस का घेराव कर अपनी बात करेंगे। इंदौर CM मृदुभाषी प्रदेश के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।